राजकोटमां कर्नाटकना पूर्व राज्यपाल अने भाजपना वरिष्ठ नेता वजुभाई वाड़ाए भगवान कृष्ण साथे नरेन्द्र मोदी की सरखामणी करी। जन्माष्टमी ने लई आयोजित धर्मसभा में तेओए निवेदन आपता कहूं कि भगवान श्रीकृष्ण जेम अधर्म सामे लड़या अने सगावा सामे कृष्ण लड़या तेवी रीते वडाप्रधान अधर्म अने भ्रष्टाचार अने परिवारवादनी सामे लड़े छे। भाजपना वरिष्ठ नेता वजुभाई वाड़ाए आगामी विधानसभा चूंटणीने लईने पण महत्वनुं निवेदन आप्युं। गुजरातमां भाजप माटे तमाम 182 बैठक मेळवी अघरी छे पण शक्य पण छे। कोई कार्य पाछळ मेहनत करीए तो धार्यु परिणाम मळे छे। गुजरातमां त्रीजा राजकीय पक्ष तरीके उभराता आम आदमी पार्टी पर प्रहार करता कह्युं कि गुजरातमां त्रीजो चोथो के पांचमो पक्ष आवे पण भाजप जीत छे। उत्सवप्रिय नगरी वडोदरामां कृष्ण जन्माष्टमीनी वधामणानो अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। कोरोना काळना बे वर्ष बाद प्रथम वखत जाहेर स्थळो पर जन्माष्टमी पर्वनी उजवणी थई रही छे। भगवान श्रीकृष्णना वाघा अने श्रृंगार खरीदवा भक्तोनो उत्साह जोवा मळ्यो। भक्तोमां जन्माष्टमी पर्वनी उजवणी निमित्ते अनेरो थनગનાટ છે। लालजीने પાણામાં ઝૂલાવવા માટે લાલજીના વાઘા શૃંગાર સહિતની ખરીદી માટે બજારોમાં ભીડ જામેલી જોવા મળી રહી છે। द्वारकामां कृष्ण जन्मोत्सवनी उजवणीनो थनગનાટ જોવા મળ્યો। વહેલી સવારે જગત મંદિરમાં ભગવાન દ્વારકાધીશની મંગળ આરતી યોજાઈ। દ્વારકાના જગત મંદિરે રાત્રે 12 વાગે પરંપરાગત જન્મ ઉત્સવ ઉજવાશે, જ્યારે આવતીકાલે પારણા નોમ ઉત્સવ ઉજવાશે અને સર્વત્ર નંદઘેર આનંદ ભયો। જય કનૈયા લાલકીના નાદથી મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠશે। આજે સવારે શ્રીજીને ખુલ્લા પડદે સ્નાન અને અભિષેક કરાવાયો, બાદમાં દ્વારકાધીશને વાઘા અને શણગાર સજાવાયા હતા। पवित्र यात्राधाम डाकोर में जन्माष्टमी उजवणी करता मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़ा। मंदिर में जय रणछोड़ माखण चोर नाद साथ मंगला आरती की शुभ शुरूआत करवामां आवी। डाकोर मंदिर ने आसोपालवना तोरण थी सजावामां आव्युं। डाकोरना श्री रणछोड़रायजी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव अवसर पूर्वे भाविकों में अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। डाकोर में जन्माष्टमी रंग जाम्यो। बपोरे 12 वाग्या बाद मंदिर खुलता भक्तोए मंदिर में काड़िया ठाकुर दर्शन कर्या। जन्माष्टमीनो महोत्सव होवाना कारणे भक्तो दर्शन माटे दूर दूर थी आवी रहा छे, जेरे मंदिरमां दर्शन माटे योग्य व्यवस्था पण मंदिरना वहीवटी तंत्र द्वारा करवामां आवी छे। जन्माष्टमीना त्यौहार निमित्ते अमदावाद इस्कोन मंदिर द्वारा फराळी प्रसाद तैयार करवामां आव्यो, जेमां मोरैयुं 80 किलो, सुकी भाजी 400 किलो, राजगरानो शीरो 60 किलो, कढ़ी 50 किलो अने टोपरा पाक 1500 किलो तैयार करवामां आव्यो छे। भगवान श्रीकृष्णनो जन्म दिवसने लईने देशभरमां भक्तिभाव जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे वेरावळना भालका तीर्थमां श्रीकृष्णनो जन्मोत्सव उत्साह अने उमंग साथे उजवाई रह्यो छे। छेल्ला बे वर्षथी कोविड दरमियान केटलाक चुस्त नियमोनुं भक्तोए पालन करवुं पड्युं हतुं, परंतु आ वर्षे छूटछाट होवाथी भक्तो राजी खुशीथी जन्माष्टमीनी उजवणी करी रह्या छे। भगवान श्रीकृष्णना जन्मोत्सव निमित्ते गोंडल शहेरमां हिंदू उत्सव समिति द्वारा शोभायात्रा काढवामां आवी। यात्रा में स्थानिक तेमज आजूबाजूना गामडाना लोको मोटी संख्या में जोड़ाया। शोभायात्रा बाद 30 थी वधु जग्याए मटकी फोड़नुं आयोजन करवामां आव्युं, तो आ तरफ कृष्ण जन्मना वधामणाने लई भक्तों में थनगनाट जोवा मळ्यो। द्वारकामां जन्माष्टमीना उत्सव निमित्ते भक्तों में उत्साहनो माहोल जोवा मळ्यो। काळिया ठाकरना दर्शन करवा माटे मोटी संख्या में भक्तों द्वारका उमटी पड़ा। काळिया ठाकरना दर्शन कर्या बाद भक्तोए गोमती घाट पर स्नान करी धन्यता अनुभवी हती। जन्माष्टमी पर्व ने लई शामळाजी मंदिर में अनेरी रोशनी करवामां आवी। सवारे 6 वागे मंदिर द्वार खुल्या बाद पौणा 7 वागे मंगला आरती योजवामां आवी। जन्माष्टमी महोत्सव ने लई भक्तों में अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भगवान श्यामळिया जन्मोत्सव ने हर्षोल्लास साथ मनावा माटे मंदिर ने रंगबेरंगी रोशनी और आसोपालवना तोरण थी शणगारवामां आव्यो। मंदिर परिसर में मटकी फोड, भजन मंडळी सहित विविध कार्यक्रमों पण सुंदर आयोजन करवामां आव्यो। भगवान श्यामळिया दर्शन करवा भक्तों ने वहेली थी ज भीड़ जोवा मळी। उपरांत मंदिर परिसर में पुलिस अधिकारी सहित पुलिस बंदोबस्त पण गोठवायो छे। श्यामळाजी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व की उजवणी करवामां आवी। मंदिर में श्यामळिया ने विशिष्ट सोना आभूषण धरावामां आव्या। काळिया ठाकुर ने सोना आभूषणों मुगट और सोना की वासणी सहित शणगार करवामां आव्या। साथ श्यामळाजी मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पालखी जय कनैया लाल की नाद थी गूंजी उठ्यो।